अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को पता था कि कुछ दिन पहले मैं अपने नानू के घर गई थी, जिसके व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन उसके कुछ क्लिप्स थे, ये सारी चीज़ें मुझसे गायब हो चुकी थी। आई फाउंड दैट देम आउट एंड नाउ आई एम गोना से शो यू कि मैं क्या दिखाना चाहती थी, कि क्लिप्स मुझे नज़र आए और मैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ अपलोड करी। अच्छा, वो है उसकी मेरी खाला की पर्स कलेक्शन, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। इतनी ही अच्छे कलेक्शन है उसका, जो वेडिंग वाला होता है वो अलग सा, जो कैजुअल होता है वो अलग सा, कोई आम जैसे बाजार जाने का, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम ईच अदर। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। मुख्तलिफ ब्रांड से वो शॉपिंग करती है, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो जहाँ से भी हो, वो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करती हैं। तो उसकी पर्स कलेक्शन का तो आप पूछें ही, वो बहुत खूबसूरत है। वो हमें गिफ्ट्स भी देती है पर्स का। आई थिंक मोर देन 100 पर्स होंगे मेरे खाला के साथ। सो तो ये जो गोल्डन कलर की कैटल है, ये यास्मीन आंटी जो कि लंदन में रहती हैं, मम्मा की कज़न है, उसने भेजा है नानो के लिए। अच्छा, फिर एंटर होते हैं ड्राइंग रूम में, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द होम। जो है ना, ड्राइंग रूम में आपको डेकोरेशन की बहुत ही खूबसूरत से वो मिलेंगे, वो मेरे खालू ने लिए हैं, वो जो इंटरेस्टेड थे इन्हीं चीज़ों में। नाउ कमिंग बैक टू माई डेली व्लॉग्स, तो फिर जो है ना, मेरी अबू गई थी मस्तोंग से लाए थे इतने जूसी, इतने मज़ेदार एप्पल्स। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एप्पल्स को भी निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन काश आप लोग उनसे नज़दीक होते तो मैं आप लोगों के लिए बेचती, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के होते एप्पल्स थे। इसके हमने जूस ही बनाए, सब सारे जूस बनाए हमने, कुछ दे दिए जैसे पप्पो को, दो तीन हमसायों को दे दिए, एवरीथिंग। अबू ने सब्ज़ी भी लाया था, वाटरमेलन लाए थे, करेला आई कॉन्ट रिमेम्बर, करेला लाए थे, लेकिन वो जो है ना अबू लोग भूल गए थे। टमाटर थे, भिंडी था, और ग्रेप्स थे। मेरी अम्मी के लिए अबू ने पीच भी लाए थे, ये जो ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें लाए थे। इनमें से हमने बांटे भी, कई ज़्यादा बांटे, लेकिन घर के लिए भी तो छोड़ना पड़ता है ना, तो ये बहुत ही फ्रेश होते हैं, बहुत ही फ्रेश होते हैं, बहुत ही इनका जायका ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। एंड वाटरमेलन जो कि गर्मियों में बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन जो आप बाहर से खाते हैं उनमें सुई वाला होता है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल टेस्ट। सो उनमें इतना मज़ा नहीं आता। So now I am going to make apple juice and अपने लिए बना रही हूँ, बाइक के लिए बना रही हूँ और शहर के लिए बना रही हूँ। और इसका जूस बहुत ही टेस्टी होता है, मैंने कभी खाया तो मुझे याद नहीं मैंने खाया था या नहीं, लेकिन इस बार खाया मुझे बहुत मज़ा आया। एंड जितने भी एप्पल्स थे उनमें से खाली दो दाने सैरगोन ऐसे खाए थे, बाकी सब मैंने जूस बनाए थे। तो जूस बनाने में मतलब 4 एप्पल्स एक ग्लास में, 4 or 5 एप्पल्स एक ग्लास में, तो उसमें मज़ा भी आता है और मतलब पता ही नहीं चलता कि आपने 4 एप्पल एक पानी की तरह पी लिया। सो दैट्स मोर दैट आपको एनर्जी भी देता है, बेनिफिशियल भी होता है हेल्थ के लिए। सो मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये जो आम वाले जो एप्पल्स होते हैं ना, उनमें इतना जूस, इतनी टेस्ट नहीं होती, वो जो नमक क्या कहते हैं, शुगर होता है ना, मतलब आप खाओ तो आपके मुंह में इसके जो दाने अलग अलग होता, मतलब वो अजीब है, आई डोंट नो किस तरह के एप्पल्स को कहते हैं, बट उससे मुझे नफरत है। लेकिन दिस वाज द बेस्ट एप्पल, इसकी इतनी, आप ऐसे भी खाते ना आपको ऐसा लग रहा है आप जूस पी रहे हैं। सॉरी,
अच्छा सबको कट कर लिया, और सैरगुल के लिए मैंने जूस बनाया था लेकिन वो उसी जूस पे अटकी रही। मैं कहती मुझे देती, मैं सारा पी लेती एक ही घूंट में। अच्छा आपको क्या करना है, मैंने पहले बनाया इसके अंदर ही कचरे गंदा नहीं है, सही है। अच्छा मैंने ग्लास लिया है जूसर के नीचे, और इसे ऑन करी और आप अपना वो डालते रहे, इसमें एप्पल डालते रहे और इसे दबाते रहे, फिर जूस निकल जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल से एक ग्लास पूरी, आई से डू के 5 और 6, मतलब 5 और 6 में आपका पूरा एक प्लेट भर जाता है। एक और प्लेट आपको ज़रूरत होती है कट करने की। देन आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ ग्लास ऑफ जूस, सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस टू गेट जूस, सही है। तो लेकिन बना लिया, लेकिन वो था ना कि मज़े मज़े का जूस था, तो दिल चाहता था जैसे स्कूल से आओ पी लो, सुबह पी लो स्कूल जाने के टाइम, रात को पी लो होमवर्क करने के टाइम, तो इन्हीं टाइम्स पे ना पी लो, एनर्जी भी मिलती है एंड फ्रेश भी होते हो आप। सो अच्छा गाइस मेरे ब्लॉग लेट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ माई स्कूल, माई बर्डन नाइज वर्क एंड एग्जाम्स नज़दीक है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मैं तबियत इन पैनिक सोचती हूँ कि कैसे होते हैं। मुझे तो क्या लगता है, मैं कहती हूँ मैं जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ गई एडिंग लिखते लिखते मेरा टाइम जाया ना, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई आई थिंक, मैं यही सोच रही हूँ, अदरवाइज इतना मुश्किल होता नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। बट लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज़ के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है, लेकिन जिसके लिए जिसका पहला टाइम होता है तो उसके लिए हमेशा उतना ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है जितना बहुत सख्ती वगैरह हो। मोस्टली वेयर वी लिव देयर इतना सख्ती वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट होने के नाते, ख़ासतौर एक लड़की होने के नाते इतना वो होता है वरना कि मेरे मार्क्स ना जाए, ये वो एंड बोर्ड के एग्ज़ाम में एवरी मीन्स ईच नंबर एज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर यू एंड योर लाइफ, सही है। मतलब आपका 8th का अगर नंबर्स अच्छे हुए यू कैन गेट अ बेस्ट स्कॉलरशिप एंड मोर देन इट, 9th और 10th का वो मोर में वो कहते हैं मैटर कहते हैं करते हैं आपके फर्स्ट ईयर एंड मोर। बेसिकली मैं तो मेडिकल करूँगी लेकिन फिर भी आई थिंक कहीं ना कहीं आपके मार्क्स आपके बिल्कुल काम आएंगे, अदरवाइज आप कह सकते हैं 9th और 10th बस फजूल हो गया, कोई काम ही नहीं है उनका मेरे ज़िंदगी में, सो लाइक दैट। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कस्टर्ड बनाते हैं, लेकिन इस बार मैंने एक रफान के जेली किए हैं, लेकिन वो फिर भी उतने हार्ड नहीं होते, मैं बताऊँगी क्योंकि मैं वाटर ज़्यादा ऐड करती, लेकिन नेशनल वालों में मेरा कोई गलती नहीं है, नेशनल वाले खुद ही ख़राब हैं, लेकिन रफान वालों में तोड़ ये बहुत ही अच्छे होते हैं बाय टेस्ट। नेशनल वाले में ऐसा लगता है वैसे पानी बस पी रहे हो पानी, एंड दैट कस्टर्ड मैंने नेशनल का बनाया एंड आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, बट स्टिल यू हैव टू बाय ऑफ रफान। पता नहीं इस बार बाय चांस मेरी इतनी अच्छी कस्टर्ड बनी है नेशनल की। आई टुक अ बॉल एंड आई जस्ट बॉइल्ड वाटर, मैं पहले से वाटर गेज करके डाल देती हूँ क्योंकि मुझे उधर ही इसका जेली जो है ना उबालना है। गैस चेक करते हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान नॉट इन आउटर रन कंट्रीज, बिकॉज कोई पता नहीं चलता कि कब आपका गैस है कब आपका गैस नहीं है, अजीब गरीब है मामला। अच्छा अरे हुकूमत आगे कहते हैं मैं बेहतर बनाऊँगी, किधर है कुछ भी बेहतर नहीं है। अच्छा ये मैं लगा रही थी, ये लगने रही थी लेकिन ख़तरनाक तरीके से लगी है, ये मेरी हर वक्त की हालत है सही, मैं इतनी लड़ती हूँ गैस के साथ, मम्मी कहती है आप बराबर लगाती नहीं है, टच ना करें इसे गैस के साथ कि लग जाती है। फिर मैं अपनी सेटअप बना रही थी अच्छा खासा कि आज मैं जेली बना, मैं इतनी खुश होती हूँ जिससे मैं बनाती, पता नहीं कुकिंग शौक है समथिंग लाइक दैट आई डोंट नो, बट आई हैव मच इंटरेस्ट, मच मच इंटरेस्ट, ख़ासतौर पर कि मीठे बनाने में, मतलब एक दो दिन छोड़ के तीसरे दिन मीठा, एक दो दिन छोड़ के तीसरे, कभी खीर कभी सेवैया कभी कस्टर्ड कभी ओनली जली कभी ओनली कस्टर्ड कभी दोनों साथ,
कभी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आई मुझे शौक़ ही मिलते बनाने का, या मुझे आई नीड एनी ऑफ द स्वीट डिश आफ्टर माई डिनर, आई नीड इट हाउ एवर आई नीड इट। सो उसके बाद ये मैंने उसमें रफान का कस्टर्ड डाल दिया, उबाल लिया है, उबाल मतलब थोड़ा सा उसका गैस ऑफ ना करें, बस आप मिक्स करें मिक्स करें मिक्स करें ताकि इसका शुगर और जो इसका पाउडर और जैसे डिजॉल्व नहीं तो वो गुठलियाँ जो रह जाती है ना उसमें, दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड एंड दैट्स ऑल्सो नॉट गुड वैल्यूटिंग टेस्ट वगैरह उनके हिसाब से, ठीक है। और फिर आप इसमें, अच्छा आप एक और काम करें, जब आप किसी शीशे के बर्तन में कोई भी गर्म चीज़ डाल रहे हैं उससे पहले आप स्टील का चम्मच, दिस वाज ऑफ माय आंटीज लाइक वो कहती थी कि यही चीज़ करो तो बर्तन टूट नहीं जाती, सो वी डिड द सेम। और ये मेरे घर इस टाइम कोई भी नहीं था घर पे, सब बाहर बैठे थे और मैं वो बना रही थी कस्टर्ड बना रही थी, फिर मैंने जेली को थोड़े देर बाहर रख लिया, उसके बाद अम्मी को बुला लिया और अम्मी ने से जल्दी से रख फ्रिज में रख लिया। अच्छा फिर मैं ऐसे धो रही थी फॉर मेकिंग कस्टर्ड, और मेरा काम तो यही है कि मैं 100 बर्तन नहीं उठाती हूँ, एक ही बर्तन में मुझसे जितना हो सके मैं बना लूँ, जैसे अपने लिए सिर्फ मैक्रोनी बना रही हूँ तो उसी बर्तन में मैं उसे बॉयल करती हूँ, उसी बर्तन में मैं उसे उसका बाकी प्रोसेस भी बनाती हूँ। सो आर यू लाइक मी, प्लीज़ से मी इन कमेंट्स, ओके कमेंट्स में बहुत चीज़ आप बोलते हैं, मैं पता नहीं क्या क्या पूछती हूँ, आप लोग सबका जवाब देते रहे, सही है। मिल्क मैंने ऑलपर्स का नहीं मिल्क पैक का मंगवाया था, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, नूरपुर इज़ द बेस्ट मिल्क चॉइस, बिकॉज आज तक मैंने जितने डेजर्ट्स बनाए हैं नूरपुर से ही बनाए हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, तो नूरपुर आप यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मैंने मिल्क लिया है, इसमें इलायची पाउडर डाल दें, इलायची पाउडर में पहले मुझे नहीं पसंद था लेकिन अभी मुझे पसंद नहीं, अम्मी बिल्कुल डिसलाइक करती, कहती नहीं मत डालो इलायची समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट मींस, मसला क्या है इस चीज़ में कि अम्मी को क्यों इलायची पाउडर खाने से मसला हो रहा है। हम पूछते हैं उसे किसी इंटरव्यू में पॉडकास्ट में, अच्छा मजाक कर रही हूँ, मैं पूछती हूँ उसे कि क्यों। अच्छा भैया इसमें शुगर डाल दिया मैंने, आई कांट रिकॉल कि मैंने कितना शुगर डाल दिया, अम्मी से पूछ के डाला था बट आई डोंट नो कि कितना डाला था, इसमें सवैया डाला था बट एट द एंड गाइस आई वाज जस्ट लाइक व्हाई आई एडेड दी सवैया, बिकॉज मेरा कस्टर्ड ऑलरेडी तगाड़ा बन चुका था, मुझे नेशनल भी यकीन ही नहीं था, जैसे पाकिस्तान पर यकीन नहीं होता, किसी को भरोसा नहीं होता, मुझे उसके प्रोडक्ट्स पर ही भरोसा नहीं था, तो मैंने ये डाला इसलिए कि अगर वो गाढ़ा नहीं हुआ मीन लाइक ये थोड़ा सा काम कर देंगे, बट इतना मज़े का गाढ़ा बन चुका था, इतना मज़े का टेस्ट बन चुका था, आई वाज सरप्राइज एंड मैंने कहा मैंने क्यों डाल दिया ये सवैया, बिकॉज यू नो सवैया अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा ये गाढ़ा नहीं होगा, लाइक जैसे शब बारात में मैंने और मेरे कज़न ने बनाया, हमारे भाइयों का ये क्या पानी बनाया, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? सो इसलिए मैं मुझे वही दिन याद आ रहे थे एंड आई वॉज मेकिंग द प्योरी, उस टाइम भी मैं सोच रही थी ये कम होगा ज़्यादा होगा ये होगा ये होगा, लेकिन इस बार बराबर हो चुका था, बट मैं बनाऊँगी पर से खीर इंशाल्लाह, उसकी भी रेसिपी आप लोगों से किया है, मैंने नहीं किया मुझे याद नहीं है किया, अगर किया है तो आप लोग मुझे बता देना, अगर नहीं किया तो If you want that I should share the recipe, so I will. If मैंने किया है तो आप लोग बता दें, मैं नहीं करूँगी फिर शेयर, सही है, क्योंकि सेम कॉन्टेंट बार बार आता है तो मज़ा नहीं आता उसमें उसे देखने में, सो बता देना मुझे। एंड द कलर वॉज नॉट लाइट, द कलर वॉज डार्क, इधर लाइट दिख रहा है, फ्लैश मैंने ऑफ किया, लेकिन क्या है कि मेरी जो चूल्हा है उसके आस पास कोई लाइट नहीं है, सही है, जस्ट देयर किचन के लाइट्स है, लेकिन चूल्हे के सामने जो आपके कैबिनेट्स होते हैं वो साए तो उनकी वजह से थोड़ा सा वो होता है ना साया पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कलर भी अजीब दिख रहा है, अगर मैं फ्लैश ऑफ करूँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा आप लोगों को, डेट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑन द फ्लैश। एंड नाउ जस्ट मिक्स।
और फिर ये रेडी था, मैंने इसे एक बाउल में डाल दी एंड बाउल में डालने के बाद मैंने इसे फ्रिज में थोड़ा सा खोल लेने के लिए रख लिया था और जेली से कुछ क्यूब्स में कट करके इसे डेकोरेट कर दिया था। एंड दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।